Good morning, class. Today we will continue the chapter triangles of the class 10th. Now let's see the some question of the exercise 6.3. Let's see the question. Question number 7. In the figure of 6.38, आप 6.38 figure में देखेंगे, तो यहाँ पे आपको दिया है altitude AD and C, altitude AD and C of triangle ABC. Triangle ABC के दो altitude हैं, first है AD, दूसरा है CE. Intersect each other at point P. एक दूसरे को P point पे intersect, and then we have to show that triangle AEP is similar to triangle CDP. आपका AEP triangle CDP के similar होगा. तो यहाँ पे देखिए आप triangle AEP, आपका triangle AEP आपको चार points इस figure में prove करने हैं. तो first thing है कि triangle AEP, AEP ये triangle triangle CDP के सिमिलर होगा. सेकंड थिंग बेटा यहाँ पे ये है कि ट्रायंगल ADP, ट्रायंगल आपका ADP ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADB, तो ये आपका ट्रायंगल ADB हुआ. ADB ये किसके सिमिलर है, ट्रायंगल CBE, CBE ये आपका ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. नेक्स्ट थिंग है ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADP, AEP और ADP, ये आपका AEP एंड ADB, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. थर्ड है ट्रायंगल PDC, फोर्थ है ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC. नाउ लेट्स सी द सॉल्व ऑफ द क्वेश्चन. यहाँ पे देखो ट्रायंगल बेटा हमको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल AEP CDP के सिमिलर है. अब ट्रायंगल AEP ये आपका ये ट्रायंगल AEP हो गया, नेक्स्ट ट्रायंगल ट्रायंगल CDP, ये दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो ट्रायंगल E आप देखेंगे तो यहाँ पे एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, दोनों 90 डिग्री हैं, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं. एंड ट्रायंगल APE आपका ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों बेटा वर्टिकली अपोजिट हैं. देन अगर दो ट्रायंगल इक्वल है, किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी इक्वल ही होगा. देन बाय एंगल 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 सिमिलरिटीज, आप एंगल एंगल ही लोगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी. देन ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, आपका AEP किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल CDP. ओके हैंस इट इज अप्रूव. नाउ नेक्स्ट है ट्रायंगल AB, ट्रायंगल ABD एंड इज सिमिलर टू सी बी. आप यहाँ पे देखो ट्रायंगल ए बी डी और सी बी, ट्रायंगल सी बी ई, दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी डी, ये आपका ट्रायंगल ए बी डी हुआ और ये आपका सी बी ई. इन दोनों में देखो कि बेटा एक चीज़ फर्स्ट आपको दिखेगा कि ट्रायंगल ए बी डी में आपको दिखेगा बेटा यहाँ पे ट्रायंगल एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 एंड एंगल सी ई बी इज इक्वल टू 19. और एक एंगल दोनों इस ट्रायंगल में बेटा कॉमन दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी और इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल क्या है, कॉमन है. तो यहाँ फिर अगेन आपका एंगल एंगल सिमिलरिटी लिखिए, हम दिखा दे रहे हैं. तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी बाई 90 डिग्री एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू ई बी सी बिकॉज इट इज ए कॉमन, सिंस अगेन बाई द एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई. नेक्स्ट मूव ऑन द थर्ड पॉइंट, यू हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सिमिलर टू ए डी पी. यहाँ पे आप दो चीज़ दिखाओगे, ए ई पी एंड ए डी पी. आप देख लीजिए पहले ट्रायंगल, तो यहाँ पे ए ई पी और ए डी पी, ए ई पी फर्स्ट है, ए डी पी, ए ई पी एंड ए डी बी, तो दो ट्रायंगल आपको दिखेगा, ये आपका ए ई पी हो गया और ये बेटा आपको ए डी पी हो गया, ये ए ई पी एंड ए डी बी ये है. इन दोनों ट्रायंगल में देखोगे बेटा ये ट्रायंगल 90 डिग्री के, दोनों एंगल, दो एंगल यहाँ पे आपको 90 दिख रहा है, दो एंगल यहाँ पे आपको 90 दिख रहा है. अगेन इस ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन है जो आपका एंगल ए है, दोनों में एक एंगल कॉमन है, एंगल ए दोनों में कॉमन है. हेंस बाय द यहाँ पर आप देखोगे दो चीज़ आप कॉमन दिखा रहे हो, ट्रायंगल
पी ए ई एंड डी ए बी दो कॉमन है, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगेन बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नाउ द फोर्थ वन इज है पी डी सी इज सिमिलर टू बी ई सी। यहाँ पे गिवन है पी डी सी इज सिमिलर टू सी एंगल, आप देखोगे तो ट्राइंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी एंड एंगल बी सी इज इक्वल टू पी सी डी। सी एंगल कॉमन है, सो अगेन बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया द ट्राइंगल्स आर सेम। नाउ वी आर मूव ऑन अ नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है, तो आप 11th क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ हम देखेंगे, इन द फिगर ऑफ दिस 6.4 अ पॉइंट ऑन लाइन सी ई आपका एक पॉइंट है, लाइन सी बी प्रोड्यूस एंड एसेस कॉल्ड ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी आपका ऐसा ट्राइंगल है, बी सी को आप आगे प्रोड्यूस करोगे तो आपको एक पॉइंट ई मिलेगा। एंड वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी, और बेटा कंडीशन गिवन भी क्या है, ये ऐसे ट्राइंगल है तो मतलब कि दो साइड इक्वल होंगे तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। एंड यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ए बी डी इज सिमिलर टू एंगल ए बी डी इज सिमिलर टू एंगल ई एफ सी, या ई सी एफ बोलिए, ई सी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो बेटा अब यहाँ देखोगे, अब यहाँ पे देखोगे गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी इन आइसोसेल ट्राइंगल है। जब ए बी इज इक्वल टू ए सी दो साइड इक्वल, बेटा दो एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। आपका ए डी बी सी लाइन परपेंडिकुलर है और ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, ई एफ लाइन ए सी पे परपेंडिकुलर है। आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं जो आपको प्रूव करना है सिमिलर है, एंगल ए बी डी एंड एंगल ई सी एफ। इन दोनों ट्राइंगल में आप देखेंगे एंगल ई एफ सी, एंगल ई एफ सी एंड एंगल ए डी बी इज सेम 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ये दोनों एंगल बेटा, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के इन दोनों ट्रायंगल में। और नेक्स्ट थिंग है कि आपको पता है कि सी ई एफ और नेक्स्ट थिंग बताया ये एंगल अगेन ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये आपको ये दो एंगल सिमिलर हो गए। सो यहाँ पे आपको दो एंगल सिमिलर मिल रहे हैं, तो बाई द एंगल एंगल सिमिलरिटीज क्राइटेरिया दिस ट्राइंगल आर द सिमिलर। ओके, सो इट इज ओके, वी आर मूव ऑन नेक्स्ट डे। थैंक यू।